मिस्टर अदनान को खाना मैं खुद दूंगी। जी अच्छा मैडम। बाद में, अभी मुझे नहीं चाहिए। क्या आपने बाहर खाना खा लिया? नहीं अभी भूख नहीं है। कैसा रहा आपका दिन? थका देने वाला। समझ सकती हूँ मैं। आप कई दिनों से इसी तरह से मसरूफ हैं। सोचते रहते हैं, शायद इसीलिए मुझसे खिंचे खिंचे भी रहते हैं, है ना? हम लोग काफी अरसे के बाद अकेले एक साथ हैं और आप फिर भी परेशान लग रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि निहाल की शादी की वजह से परेशान है। क्या बात है अदनान, आप मुझे नहीं बताएंगे? मैं इस गुफ्तगु को टाल रहा था क्योंकि मैं किसी माकूल मौके की तलाश में था। मैं शादी के बाद तुमसे बात करना चाहता था, मगर अभी हम लोग अकेले हैं तो ये ठीक वक्त है, हम बात कर सकते हैं। अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं। पीटर, मैं तलाक चाहता हूं। मैंने बहुत सोचा पर इस शादी का मुस्तकबिल नजर नहीं आया। क्या आपकी जिंदगी में कोई और है? नहीं, मेरी जिंदगी में तुम वाहिद औरत हो। और जो मेरी नहीं है हम लोग बस एक छत के नीचे अपनी जिंदगी के शब रोज बसर कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा है? पहले तुमने कई बार ऐसा चाहा था, तब मैं उसके खिलाफ था, मगर अब मैंने इसके लिए खुद को बहुत मुश्किलों से तैयार कर लिया। गुज़िश्ता दिनों तक मैं यही सब कुछ सोचता रहा हूँ कि किस तरह हम एक दूसरे को हर्ट किए बगैर ये शादी खत्म कर सकते हैं। ये असल में बहुत आसान था। क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये कुछ नहीं हमारी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा जगह लेता जा रहा है। हमारे दरमियान ये कुछ नहीं बढ़ता ही जा रहा है और ये तुम भी जानती हो। अब मैं पलट कर वो मसाइल दोबारा नहीं चाहता हूं जो हमारे रिश्ते में थे। मुझे सबसे पहला झटका तब लगा जब तुमने मुझे बताए बगैर अबॉर्शन करा लिया था। तुमने ऐसा दो बार किया ये जानते हुए भी कि मुझे बच्चे की कितनी ख्वाहिश थी, उसके बावजूद तुमने ये सब किया। नहीं, मैंने कह दिया मैं इस तरफ वापस नहीं आ रहा हूं। हमें कुछ तो मुश्तरक होना चाहिए था जो हमें जोड़कर रख सकता। हम दोनों साथ रहते हुए भी एक दूसरे के करीब ना आ सके। क्या तुम्हें अब भी यकीन है कि तुम मेरे साथ जिंदगी शेयर कर सकोगी? बताओ, क्या यकीन है? I love you. तुम्हें इस पर यकीन भी होता है?
जहां तक मैं समझ सका हूं ये एक तरफा चीज नहीं है। अगरचे मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की मगर अब मैंने ये समझ लिया है कि तुम में हौसला नहीं है और शायद तुम ये रिश्ता रखना नहीं चाहती हो, इसलिए कल शादी के बाद मैं इस रिश्ते को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहता हूं। ठीक है, हाँ ठीक है, हम अलग हो जाएंगे। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगरचे हम में बाकायदा तलाक हो चुकी होगी मगर इसका ये मतलब नहीं होगा कि तुम मुझसे मिल नहीं सकोगी। जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास होऊंगा। जानती हूँ। कानून तुम्हें जो हुकूक देता है तुम उसका भरपूर फायदा उठा सकती हो। इस हवाले से बात नहीं करें अदनान, मुझे ये मौसम पसंद नहीं है। मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाना चाहता था कि तुम परेशान मत होना। शुक्रिया। मैं वॉक करने जा रहा हूं। बशीर कैसा है? उसकी हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। वो अस्पताल नहीं जाना चाहता। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मुझे डर लग रहा है मिस्टर अदनान, आज सारा दिन उसे बुखार रहा है। बिलाखिर इस पे हजियानी कैफियत तारी हो गई और वो नींद में बड़बड़ाने लग गया। नींद में वो क्या कहता रहा हम लोग बिल्कुल नहीं समझ पाए, मगर बार बार वो कह रहा था मुझे मिस्टर अदनान को बता देना चाहिए था, मुझे मिस्टर अदनान को बता देना चाहिए था। मैं उसे देख कर आता हूँ। मैंने उसे भी दवाई दी है, वो अब सो रहा है। अगर आप पसंद करें तो सुबह से जाके मिल लीजिएगा। ठीक है।
पकड़ो इसको। बहलूल बहलूल हेलो बहलूल, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि क्या हुआ। अदनान मुझे तलाक दे रहे हैं। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हम लोग तलाक ले रहे हैं। मैं जंजीरों से आजाद हो रही हूँ। तुमने उनसे क्या कहा? मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने खुद ही ये बात कही। क्या तुम्हें यकीन आया? वो अलग होना चाहते हैं। I don't believe this. ये क्या किया तुमने? मैं कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। अदनान को इस शादी का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता है और वो ये समझते हैं कि मैं शादी को जारी रखने के लिए कुछ नहीं कर पा रही। बहरहाल अब ये सब बातें बेकार हैं। वो मुझे छोड़ रहे हैं और मैं आजाद हो रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत अहम है। अगर तुम अभी निहाल को नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कुछ अरसे के बाद तुम्हें काम करना, तो मेरे पास आ जाना। किसी को कुछ शक नहीं होगा। भीतर मैं निहाल को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। नहीं, ये तुम अभी कह रहे हो। कल जब तुम उससे शादी कर लोगे तो बाद में पछताओगे। बहलूल समझो मेरी बात को। भीतर आज सुबह हमारी बात हो चुकी है, ये सब खत्म हो चुका है। निहाल तुम्हें ये कह के धमका रही है कि अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वो अपनी जान दे देगी। बोलो यही सच है ना? बताओ मुझे। वो झूठ नहीं बोल रही, उसके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मुझे चाहती है किसी शक व शुबे से बालातर होकर। अगर मैंने उसको वाकई छोड़ दिया वो मर जाएगी। क्या तुम मेरी बहन से बात कर रहे हो? बहलूल मैं तुम्हें सुबह फोन करूंगी और इससे कबल के बहुत देर हो जाए तुम सोच लेना कि तुम मेरे साथ खुश रहोगे या निहाल की बेड़ियां अपने पैरों में पहनोगे। सोच लेना और फैसला करना। कोई बुरी खबर है? ओके, सुबह मिलते हैं। सी यू। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, जाओ मजे करो। उनके पीछे चलिए जरा। गुड बाय मम्मी। गुड बाय मेरी बच्ची, सलामत रहो। बिलाखिर तुमने हमारी फैमिली को तोड़ ही दिया। मुझे यकीन है कि तुम बहुत खुश होगे। हमने ये फैसला अपनी फैमिली को इकट्ठे रखने के लिए किया। भाग जाना ऑप्शन नहीं था। तुम जहां भी जाओगे ना रहोगे उसी शख्स के बेटे। मम्मी प्लीज ये बातें मत करें। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम मुंह बनाकर एक दूसरे से जुदा हो गए। अब जाओ, मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी। और मैं भी। मेरे बच्चा, इन दोनों का बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। जाओ।
मैं अदनान, मिस्टर अदनान, मुझे मिस्टर अदनान से जरूरी बात करनी है। आप लेटे रहें, क्या बात है? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये बोझ बहुत बहुत ज्यादा भारी है। मिसेस डेनिस, आप हमें बात करनी है। मैं अब मजीद खामोश नहीं रह सकती हूं। हेलो, कैसे हो? उम्मीद है तुमने भी दूल्हा की तरह नहा लिया होगा। अल्लाह खैर करे। हाँ, मैं इस तरह के झमेले नहीं करूँगा। फोन करके बता दूंगा कि शादी कर ली। तेर सब बातों का इतराफ करने जा रही है, जल्द आओ और कुछ करो। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मेरे कपड़े देखे तुमने? मैंने बैग में रख के गाड़ी में भिजवा दिए। क्या तुम्हें चाहिए? मुझे अभी फौरन जाना होगा। कहाँ? मुझे कहीं पहुंचना है, बस जल्दी वापस आ जाऊंगा। उससे कहना है खुद पे काबू रखे, उसके तैयार होने से पहले वापस आ जाऊंगा। डील? ओके। बस अभी आता हूं थोड़ी देर में। बस थोड़ी देर में आता हूं। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? बस आ रहा हूं। नहीं उठा रही।
बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। सच में बुलान, तुम उदास क्यों हो? क्या मैं इतनी बुरी लग रही हूँ? नहीं, तुम खूबसूरत लग रही हो। इसका ड्रेस खराब हो जाएगा, इतनी जोर से गले मत लगाओ। ओके जी, हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, रात में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। बुलंद, एक मिनट ठहरो। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम्हें देखकर जज्बाती हो गया है। क्या वाकई? आज हर किसी के साथ मसला है। बशीर के साथ कुछ हुआ है क्या? बुलंद, बहलूल कहाँ है? वो भी आ जाएगा। कहाँ गया वो? मेरे ख्याल से घर गया है। मेरी तरफ देखो और सच बताओ, क्या बशीर को कुछ हुआ है? वो मर गया है? नहीं निहाल, तुम परेशान मत हो। बहलूल घर क्यों गया है मुझे बताओ, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? मिसेज फिरदौस ने उसे फोन किया। भीतर अभी कुछ बताने जा रही है। इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। खुशामदीद सर। बैलू यहाँ है? नहीं, आज मैंने सारा दिन से नहीं देखा। मैंने कहा बाहर जाइए। मुझे सब कुछ बताओ बशीर, सब कुछ बताओ मुझे। बेबी, मैं अभी घर आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ बस। पता था मुझे। मेरे पहुँचने से पहले कुछ ऐसा ऐसा मत करना प्लीज। अंकल को कुछ मत बताना। मेरी तुम्हारी वालदा से बात हुई है, प्लीज सब कुछ तबाह मत करना। प्लीज, सब तुम्हारे हाथ में है। ठीक है।
मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया? अब बताओ। अगर आपको पहले इल्म हो जाता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। बहलूल की गर्लफ्रेंड कौन है मुझे बताओ। मदमुजैल ने जो बताया क्या वो सच है? निहाल कत्ल कर रहे हैं मिस्टर अदनान। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। मिस्टर अदनान बशीर के पास हैं। उससे बात करो, उससे कहो वो कुछ ना कहे। जाओ। एक रात गार्डन में टहल रहा था, मैं ग्रीन हाउस की तरफ चला गया। उन दोनों को देखा। किन दोनों को? बहलूल। मिसेस पीटर। बशीर के पास तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? मैंने नहीं बताया। बीता दरवाजा मत लॉक करो प्लीज। ऊपर हैं। भीतर मुझे छोड़ो, इसलिए कि तुम निहाल को नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए तुम मुझे खुद से जुदा कर रहे हो ना? बीतर, मैं ही क्यों? बीतर ये गन मुझे दे दो। बीतर क्या एतराफ करने जा रही है? बहलूल से क्या ताल्लुक बनता है? बीतर! निहाल रुक जाओ। बीतर!
दरवाजा खोलो। निहाल एक ऐसा फूल है जो किसी भी लम्हे मुरझा सकता है, मगर बीतर का क्या? बीतर प्लीज ये मुझे दे दो। ये दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो दरवाजा। जब मैं दरवाजा खोलूंगी तो क्या तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म नहीं हो चुका होगा? जब मैं मर जाऊंगी तभी ये दरवाजा खोलेगा बहलूल। क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? क्या तुम मुझे खो के खुद जिंदा रह पाओगे? अगर हाँ तो फिर जाने दो अपने भीतर को। तुम तो मेरे बेटे थे, तुम तो मेरे बेटे थे, मेरे बेटे। इसे मोहब्बत कहें या खुदगर्ज़ी, एक अजनबी शख्स जो न जाने किस कमजोर लम्हे की देन था मेरी जिंदगी में आया और उसके हुसूल की खातिर मैंने अपना घर, अपना शौहर, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज मैं तस्लीम करती हूं कि ऐसा इश्क जिससे कई जिंदगियां बर्बाद हो जाए, घर उजड़ जाए, इज्जत दागदार हो जाए, उसे इश्क ममनू ही कहते हैं, इश्क ममनू ही कहते हैं।
सब लोग एक लंबी छुट्टी पर जाएंगे। हम वहां जाएंगे जहां हर वक्त धूप निकली हुई होती है। सर्दियों में बुलंत यहीं स्कूल में पढ़ेगा, फिर मिस्टर सुलेमान और उनकी फैमिली हमें ज्वाइन कर लेगी। तुम फिर से मेरे लिए मीठा बनाओगी अपनी मॉम की नोटबुक देखकर। बशीर मर गया। बातें मत करो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो। आज मुझे पहली बार लगा कि मैं उन्हें खो दूंगी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ बहलूल, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। बीतर ऐसा मत कहो। कम ऑन बीतर। मेरे पास एक जगह थी, एक ऐसी जगह जहां मुझे जाना था। अगर मैं इस तरह का इंसान नहीं होता, मेरी जमीन तो हर एक की जिंदगी में सुकून होता। Ha ha ha!
मैं ये नहीं कर सका। मेरी जिंदगी बकवास है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे अंदर तो तुम्हारा हाथ हमने भी, हिम्मत भी नहीं हो पाई।